सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमायत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखराजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासते गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे। तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिला हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ। क्योंकि याद रखना बच्चों, जब जमीन के चार दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वमायत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखराजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद द हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रिसवा नहीं करेगी। आग आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और कूनी बर्दा व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है। गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर। और एक टाइम पर आप कुछ भी कर ले, आप उन छोरों को रोक नहीं सकते, तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर। लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए, आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, और उसके बाद आपको ये कायनात चाहिए जीने के लिए। हम बाहर नहीं जा सकते, इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है ना, वो कौम का दर्द बन जाएगा। आपकी धड़कन कौम की धड़कन बन जाएगी, आपकी आवाज कौम की आवाज बन जाएगी, और आपका ख्वाब कौम का ख्वाब बन जाएगा। और इसे अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं, एंड दैट्स वेयर लेजेंड्स आर बोर्न। ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا